हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी केसरवानी और आज मैं जा रही हूँ डिस्कस करने क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 7। बहुत ही इजी चैप्टर है और जिसका टॉपिक है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मैंने पूरा जो ये चैप्टर समझाया है वो बुक के ही हिसाब से समझाया है, कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाली है। तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर प्लांट्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उनके गुणों के हिसाब से पौधे को हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5 पार्ट? पहला है हर्ब, शर्ब्स, ट्री, क्रीपर, क्लाइंबर। हम लोग ने पढ़ा है ना, हर्ब, शर्ब, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स की जो स्टेप होती है ना वो बहुत ही लचीली होती है। कैसी होती है? बहुत ही लचीली होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, टेंडर स्टेम होती है, मतलब कि बहुत ही वीक स्टेम होती है। जिस डायरेक्शन में हवा मूव करता है ना उसी डायरेक्शन में इजली से वो स्टेम पूरा का पूरा मूव कर जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होती है ये, बहुत ही डेलिकेट स्टेम्स होती हैं ये। जैसे कि हम देखते हैं किसमें, पुदीना में, मिंट में मतलब कि, और हम किसमें देखते हैं, कोरिएंडर की लीव्स, पालक, ये सब हमारा कैसा है, हर्ब्स है, ठीक है, जिसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है। फिर हम आते हैं शर्ब्स। शर्ब्स की जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, मतलब कि वो थोड़ी सी वुडी होती है, और इसके स्टेम के बेस से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि देखिए इसका ये स्टेम के बेस से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ऐसा हम किस पौधे में देखने को पाते हैं? वो है गुलाब का पौधा और तुलसी का पौधा। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। फिर आते हैं हम ट्री। ट्री तो बहुत बड़ा सा होता है ना, मैंगो ट्री, पीपल का ट्री। इसके स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसके स्टेम बहुत ही हार्ड हो, मोटे हों, स्ट्रांग हो, वो सब हमारा क्या हो जाता है, ट्री। जैसे इसका ट्री, पीपल का ट्री और मैंगो का ट्री, ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं। फिर आते हैं हम क्रीपर। क्रीपर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं होती उनके स्टेम में कि वो सीधे खड़े हो सकें, अपराइट पोजीशन पे वो खड़े नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो अलोंग द ग्राउंड क्रीप करते हैं, मतलब कि ग्राउंड पे वो रेंग रेंग के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा हम किसमें पाते हैं? पम्पकिन में, ठीक है। इसके स्टेम भी बहुत वीक होते हैं इसीलिए ये अपराइट पोजिशन पर खड़े नहीं हो पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्लाइंबर। क्लाइंबर के जो वीक स्टेम्स होते हैं वो भी बहुत कमज़ोर होते हैं, बट अगर उन्हें किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो वो सपोर्ट के सहारे उस पर लताएँ बनाते हुए आगे चलते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम किसमें देखने को पाते हैं? मनी प्लांट में। तो ये सारे हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतना सा बताया गया है हर्ब शर्ब्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं जो एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी में बताई गई है। चलिए फिर आगे हम अब एक्टिविटीज देखते हैं। तो पहले तो एक्टिविटी में क्या बताया गया है, एक्टिविटी में अब पहला एक्टिविटी जो आया है वो स्टेम को लेके आया है। स्टेम हमें पता है, स्टेम में वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं। क्या होती है? वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्या कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। वो क्या करती है, हमारे रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो स्टेम आगे की डायरेक्शन में, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लांट्स के हर पार्ट को वो पानी पहुंचाती है, मतलब कि लीव्स को देती है, फ्रूट्स को देती है, फ्लावर्स को देती है। स्टेम क्या करता है? पानी ऊपर की ओर पहुंचाता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है एनसीईआरटी में, हम उस एक्टिविटी को यहाँ पर समझेंगे कि क्या कह रहा है वो एक्टिविटी। एक्टिविटी में कहा गया है कि आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी ले लीजिए, ठीक है, और उसमें डाल दीजिए आप इंक, या तो रेड कलर का या तो ब्लू कलर का। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का इंक इस पानी में डाल दिया है। अब हमारा वाटर कैसा हो गया, पूरा रेडिश हो गया है। अब हम लेते हैं एक स्मॉल सा स्टेम। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक स्मॉल सा
स्टेम, और स्टेम के हम नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इसको इस वाटर में कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि जो हमारा स्टेम है वो किस कलर का हो गया है, थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर का हो गया है। और अगर हम लंबे समय तक इसको पानी में छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी लीव्स है, लीव्स की जो वेन्स होती है वो भी हमारी थोड़ी थोड़ी क्या हो गई है, रेड कलर की हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेम जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और आगे अपवर्ड डायरेक्शन में पूरे प्लांट्स को पानी देता है। ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है। फिर हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है इस एक्टिविटी के बाद वो है हमारा लीव्स। तो लीव्स हमें सबको पता है पत्तियाँ। तो क्या सारे पौधों की पत्तियाँ एक जैसी होती हैं, सेम शेप की होती हैं, सेम साइज की होती हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं, किसी की पत्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और सबका अलग अलग शेप एंड साइज भी होता है। तो हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। तो अगर मैं लीव का आपको फिगर बनाऊँ तो कुछ ये फिगर है हमारे लीव का। ये जो लीफ है ये हमारे स्टेम से अटैच होती है, तो मैंने इसको स्टेम से यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, लीफ का वो पार्ट जो लीफ को स्टेम से जोड़ता है उसे हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल, ठीक है। तो पेटियोल वो छोटा सा स्टाक हो गया है जिसने पत्ती को इससे जोड़ा है, तने से मतलब कि स्टेम से जोड़ा है, ठीक है ना। ये हमने बात की पेटियोल की, लीफ का एक पार्ट। अब देखिए लीफ, और ये हो गया लीफ का पेटियोल, और ये हो गया हमारा मिडरिब्स, और ये हो गया हमारे वेन्स, ठीक है। हम एक बार सारे को लेबल कर देते हैं। ये जो होता है ये कहलाता है लैमिना। जो ब्रॉड सेक्शन है लीफ का, ये पूरा का पूरा ब्रॉड सेक्शन है जो लीफ का, इसे हम कहते हैं लैमिना। और लैमिना के बाद ये जो मोटा सा हमारा है, हम देखते हैं ना कि जो हमारे सेंटर में प्रोमिनेंट एक हमारा जो वेन जाता है वो थोड़ा सा जो प्रोमिनेंट लाइन गई है बीचों बीच से जो पत्ती की, उसे हम कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं? मिडरिब या मिड वेन है, ठीक है। और जो ये हमारे साइड्स में छोटे छोटे वेन्स नसें हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स। और ये हमारा हमने पहले डिस्कस किया है क्या है, पेटियोल, ठीक है। ये हो गया हमारा पत्ती का स्ट्रक्चर, लैमिना, मिडरिब, पेटियोल एंड वेन, ये बताया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो एनसीईआरटी को पत्ती में लेके बताई गई है, वह एक्टिविटी क्या है वो हम अभी समझते हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक्टिविटी को लेके ये कहा गया है, जो हम वेन्स देखते हैं ना पत्तियों में, हमने जो वेन्स अभी यहाँ पर डिस्कस किया ना कि वेन्स होती है, ठीक है। तो इसे एक एक्टिविटी से करके बताया गया है। कहा गया है एक्टिविटी में, एक आप सफ़ेद रंग का पेपर ले लीजिए और नीचे रखिए लीफ और ऊपर रखिए वो पेपर, और फिर धीरे 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 उस पेपर पे आप स्केच कीजिए पेंसिल से। तो आप क्या देखेंगे, जो पेपर है उस पर कुछ फिगर आउट हो जाएगा। क्या फिगर आउट होगा? वही वेन्स और मिडरिब्स हमें वो दिखने लगेगी। ये सब हम लोग करते हैं ना कॉइन के साथ, वही वाला ये एक्टिविटी है। तो बहुत इजी एक्टिविटी है कि नीचे पत्ती रखिए, ऊपर पेपर रखिए और उसको स्केच कीजिए, मतलब पेंसिल उस पर हल्के हल्के हाथों से चलाइए, तो जो पूरा का पूरा इमेज है पत्ती का वो उस पेपर पे ड्रॉ आउट हो जाता है। ये एक्टिविटी दिया है। तो उस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वेन्स को, ठीक है, जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, वो हमारा वहाँ पर स्केच हो जाता है। ये एक्टिविटी है हमारी। फिर लीफ में अगर हम वेनिएशन की बात करें, वेनिएशन क्या होता है? वेनिएशन होता है डिज़ाइन, ठीक है। वेनिएशन का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन ऑन द लीफ। क्या होता है? डिज़ाइन ऑन द लीफ, डिजाइन ऑफ द लीफ। पत्तियों में भी भाई डिजाइन होते हैं ना, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा रेटिकुलेट और एक होता है टालर। एक क्या होता है हमारा रेटिकुलेट वेनिएशन, और
और एक क्या होता है हमारा पैरेलल। ठीक है, ये जो वेरिएशन है ना, डिजाइन है, ये किसके बेसिस पे हमने रेटिकुलेटर पैलर का है, ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक पत्ती बनाते हैं, ये देखिए मैंने एक लीफ बना दी है और ये हमारी मिडरिब है और यहाँ पर हमने सारे वेन्स को बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि वेन्स जो है वो कई सारी ब्रांचेस में आके बढ़ती है। हम लोग देखते हैं जब हम पत्ती के पीछे वाले पोर्शन को देखते हैं तो ये हमें और अच्छे से दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर जैसा लगा है कि एक पूरा जाल बन गया है, वेब बन गया है, नेटवर्क बन गया है ना, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। क्या कहते हैं हम इसे? रेटिकुलेट वेरिएशन, जिसमें क्या होता है कि पूरे पूरे वेन जो होते हैं एक जाल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और आता है फिर हमारा पैरेलल वेरिएशन। तो पैरेलल वेरिएशन में क्या होते हैं कि जो हमारे वेन्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखिए सीधे सीधे हम बना रहे हैं यहाँ पर वेन्स, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। तो ये कैसा हो गया हमारा, पैरेलल वेरिएशन हो गया और वेन्स का मतलब डिजाइन हो गया। और ये कैसा हो गया, पूरा वेन्स ने नेटवर्क फॉर्म कर लिया है। ठीक है, किस किस पत्तियों में हम देखते हैं ऐसे रेटिकुलेट वेरिएशन? तो रेटिकुलेट वेरिएशन थोड़ा सा आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, तुलसी का पत्ता, पीपल का पत्ता, और एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पैरेलल वेरिएशन हम किस में देखते हैं, जैसे मेज का, ठीक है, घासों में, मक्के के पत्ते में, घासों में देखते हैं और वीड्स में देखते हैं। और जो हमें एक दो एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दो इसके एग्जाम्पल्स बताइएगा और दो इसके एग्जाम्पल्स बताइएगा। ठीक है, इसे हम कहाँ कहाँ देखते हैं, घास में मैंने बता दिया है, वीट में मैंने बता दिया है, मेज में मैंने बता दिया है, इन दोनों के दो दो एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा लीफ लगभग लगभग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बस एक टॉपिक, दो टॉपिक और लीफ में रह जाते हैं। लीफ में हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हमारा लीफ में होता है। अब हमारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है लीव्स को लेके, वो है ऑन ट्रांसपिरेशन। तो हम ट्रांसपिरेशन को देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी दी है ट्रांसपिरेशन पे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को आसान शब्दों में कहें तो लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, इसे एक्टिविटी से हमें करके दिखाना है। हमने एक पौधा लिया है, ठीक है, उस पौधे में कई सारी पत्तियां हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पत्ती बनाई है आपको समझाने के लिए। और ये जो पौधा है ना, कि एक्सपोज है, एकदम से बहुत तेज धूप है वहां पर ये एक्सपोज है, ठीक है, सनलाइट बहुत अच्छी से मिल रही है, ये चीज आप याद रखिएगा। हमने क्या किया है कि इसकी जो लीव्स है, तो हमने कुछ लीव्स ली है इसकी और इन कुछ लीव्स पे हमने बांध ली है एक पॉलिथीन, मतलब टाई अप क्या कर दिया है मैंने, एक पॉलिथीन इस पे टाई कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बहुत गंदा सा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, ये देखिए। और हमने यहाँ पर इसे एक पॉलिथीन से बांध दिया है, ठीक है, बांध दिया है। और कुछ समय के लिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है, बहुत सनी डे है ये याद रखिएगा। क्या होगा, हम देखेंगे कि जो हमारा पॉलिथीन है इस पर कुछ ना कुछ नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा। और अगर हम एक और पॉलिथीन लेते हैं और उसे हम ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं देखेंगे कि नमी आई है, लेकिन हम जिसमें मैंने ये लीफ बाइंड की थी ना, उसमें मैं ज़रूर देखूंगी कि नमी आ गई। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लीव से वाटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, लॉस हो रहा है वाटर का, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। मतलब कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, तो हम सिंपल इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना, पानी निकल रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है ना। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है तो हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जब यही पानी जो होता है वेपर के फॉर्म में ना निकल के ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है, तो उसे हम कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं? गटेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं गटेशन। ठीक है, ये आपको समझ में
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन, ठीक है, जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकले तो ट्रांसपीरेशन, और जब वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकले तो गटेशन, ठीक है। ये एक्टिविटी हमारी ट्रांसपीरेशन को लेके गई की गई थी। अब फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है जो एक्टिविटी नंबर 5 है, वो हमारी एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, वो कह रहा है, ये एक्टिविटी मैं 5 आपको बताने जा रही हूँ, एक्टिविटी 5, इसमें क्या करना है, मुझे एक ग्लास लेना है, ठीक है, एक ग्लास लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, और ग्लास में हमको पानी भरना है, तो ग्लास में मैंने वाटर भर दिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मुझे रखना है एक पत्ती, मतलब एक लीफ, तो यहाँ पर मैंने एक लीफ ले ली है, ठीक है। अब मैं रखूंगी इस टेस्ट ट्यूब में कुछ डालूंगी स्प्रिट, क्या डालूंगी, स्प्रिट, और ये स्प्रिट इतना होगा कि अच्छे से पत्ती उसमें क्या होगी, पूरी डूबी हुई होगी, ठीक है। पत्ती लिया, स्प्रिट डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, हमने इसको थोड़ी सी आग दे दी है, आग थोड़ा सा गंदा बन गया है, चलिए कोई, ठीक है। अब हमने इस स्पीकर को गर्म करना शुरू कर दिया, अच्छा पानी गर्म होगा तो अंदर की स्प्रिट भी क्या होगी, गर्म होगी, और क्या होगा, जो हम देखेंगे कि जो स्प्रिट का वॉट, जो स्प्रिट था जो कि जो अभी तक ट्रांसपेरेंट कलर का था, वो जैसे जैसे गर्म हो रहा है वो किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन कलर में, जो ये स्प्रिट मैंने डाला था ना, अब पत्ती क्या हो रही है, बॉयल हो रही है हल्की हल्की, तो ये पूरे स्प्रिट को उसने क्या कर दिया है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम इस लीफ को इससे बाहर निकालेंगे, ये मैंने लीफ बाहर निकाल दी, ठीक है, फिर हम इस लीफ को वॉश करेंगे, तो हमने फिर क्या किया, इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर मैंने इसे एक ग्लास में रखा, ठीक है, इस लीफ को मैंने एक ग्लास में यहाँ पर रख दिया है, वॉश ग्लास में रखा है, और फिर ऊपर से हमने थोड़ा सा इस पे डाला है आयोडीन सॉल्यूशन, क्या डाला है, ये क्या मैंने ऊपर से डाला है, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम उस वॉश्ड लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी लीफ थी ना वो थोड़ी सी पर्पल ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है, पर्पल या ब्लैक कलर की हमारी लीफ वो तुरंत हो जाती है, और हमें पता है कि ये जो होता है आयोडीन सॉल्यूशन हमेशा स्टार्च के टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या था कि पत्तियों में क्या था, स्टार्च था, पत्तियों में क्या था यहाँ पर, क्योंकि पर्पल ब्लैक हो गई है तो इसलिए इसमें क्या था, लीफ में हमारा स्टार्च था, मतलब कि लीफ में जो फूड हमारा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। तो इस एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा लीव्स को लेके फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमको पता है क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस में का क्या मतलब होता है, टू मेक, मतलब कि कोई भी चीज बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कोई भी चीज बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, हमें पता है प्लांट कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रूट से वो क्या लेता है, वॉटर, तो हमने लिख दिया वॉटर, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी होना बहुत ही जरूरी है इसके लिए। और पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, मैंने कल पढ़ाया था ऑर्गेनेल, कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्लोरोफिल रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते थे ना, याद रखिएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ले लिया, सनलाइट ले लिया, CO2 ले लिया, H2O ले लिया, मतलब सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हमने ले लिया, बस हमें खाना बनाना है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा C6H12O6,
ठीक है, ये होता है फूड। तो ये यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सी सिक्स है तो हमने इसको भी सिक्स कर दिया है, एच ट्वेल्व है तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व, यहाँ पर ये वन, ठीक है, सिक्स टू जा ट्वेल्व। और ऑक्सीजन भी कितने हैं, सिक्स है। और क्या निकलेगा, और रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन गैस जो कि सिक्स मोल है, ठीक है। तो सी सिक्स एस सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म फूड। और फूड क्या है, ग्लूकोज है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, बहुत ही ईजी है। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें एक एक एक्टिविटी भी समझनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो इजली याद हो गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्या बताएंगे, व्हाट इज़ रेटिकुलेट वेनिएशन और पैलर वेनिएशन के एग्जाम्पल्स देना है आपको, और आपको ये बताना है कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो किसके टेस्ट के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट जाके ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।